हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने भाग एक में संज्ञा के बारे में पढ़ा, तो आज हम सभी भाग दो में संज्ञा के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम आता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए। इसी प्रकार सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, तो सरस्वती एक नदी का नाम है और यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। रामायण और महाभारत महान पुस्तकें हैं, तो वस्तुओं की श्रेणी में यह आता है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। इसके अंतर्गत नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, लूनी इत्यादि, और पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, अरावली पर्वत, राकी इत्यादि जितने भी पर्वत हैं सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, स्थानों के नाम, स्थान में जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि जितने भी स्थानों के नाम हैं सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत संपूर्ण प्रजाति का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मछलियां। मछलियां कहने से इसमें मछलियों की पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है, क्योंकि अगर हम एक मछली का नाम लेते हैं रोहू, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अगर हम बोलते हैं मछलियां, तो यह मछलियों की संपूर्ण प्रजाति को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार भवन, भवन जातिवाचक संज्ञा है, और अगर हम बोलते हैं लाल किला, तो लाल किला नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मोबाइल, मोबाइल में जितने भी मोबाइल हैं ये सारे आ जाते हैं। जैसे अगर किसी एक मोबाइल का नाम लेते हैं सैमसंग, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, और अगर मोबाइल कहते हैं तो ये मोबाइल की पूरी प्रजातियों को प्रदर्शित करता है। आ रहा है समझ में? देखिए, जैसे मनुष्य, मनुष्य में दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। इन मनुष्यों का कुछ भी नाम हो, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। फल, फल भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर फल में हम नाम लेते हैं जैसे आम, संतरा, चीकू, केला, अनानास आदि, तो जब फलों के हम नाम लेते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और जब फल बोलते हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा होता है। इसी प्रकार स्कूल, आप बताइए स्कूल कौन सी संज्ञा है? बहुत अच्छे, स्कूल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि स्कूल का नाम लेने पर बहुत सारे स्कूल आ जाते हैं, और अगर किसी एक स्कूल का नाम लेते हैं जैसे LPM पब्लिक स्कूल, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सड़क, अगर हम सड़क बोलते हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि सड़क बोलने पर बहुत सारी सड़कें आ जाती हैं इसमें। लेकिन अगर हम एक सड़क का नाम लेते हैं जैसे लाल बहादुर शास्त्री रोड, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, और अगर सड़क बोलते हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी दो प्रकार होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जैसे तेल, पानी, पीतल, सोना, चांदी, इसी
तरह से बहुत सारे पदार्थ आ जाते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में समूहों का बोध होता है, जैसे सभा, जनता, सेना, झुंड, भीड़ इत्यादि। अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं और वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, तो भीड़ में हम सभी का नाम तो जानते नहीं, तो हम यही कहेंगे कि बाहर बहुत भीड़ है। इस प्रकार भीड़ से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ठीक है, तो आप सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर समझ में आ गया होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम होता है, और जातिवाचक संज्ञा में अनेकों का, अनेक का नाम होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर आप इस सिद्धांत को समझ गए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे अंदर जितने भी भाव हैं, वह सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये भाव अमूर्त होते हैं, हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। बचपन, अगर हम कहें मेरा बचपन बहुत अच्छा था, तो क्या हम अपने बचपन को छू सकते हैं? नहीं ना, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, मिठास में गुड़ कैसा होता है? गुड़ तो आप सभी लोग खाते होंगे, बहुत अच्छे, गुड़ मीठा होता है। अगर हम गुड़ खाते हैं, तो क्या उसकी मिठास को हम छू सकते हैं? नहीं, उसकी मिठास को केवल हम अनुभव कर सकते हैं। भूख, प्यास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, अपनापन, परायापन, मित्रता, चोरी, क्रोध, दया आदि जितने भी ऐसे शब्द हैं, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? संज्ञा के प्रकारों के बारे में, कि संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद करती हूँ आज जितनी भी बातें बताई गई आप सभी के समझ में आ गई होंगी, और आप इसे अपनी कॉपी में लिखकर याद करते रहें। और अगले वीडियो में मैं व्याकरण के किसी और बेहतरीन प्रकरण को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।